लखनऊ में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजी। लखनऊ काकोरी काकोरी थाना क्षेत्र के घुरघुरी तालाब के किशनखेड़ा गांव में पूर्व ब्लॉक प्रमुख रामविलास पर चली गोली। गंभीर हालत में लखनऊ के अपोलो अस्पताल में चल रहा इलाज। अनंतराम यादव की गोली लगने से मौत, वहीं अमित छोटू के हाथ में लगी गोली। 6-7 हमलावरों ने चलाई ताबड़तोड़ गोली। लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र के तेजी खेड़ा में चली कई राउंड गोलियां। 4 लोगों को मारी गोली। तिलक समारोह में पहुंचे दबंगों ने की कई राउंड फायरिंग। राजनीतिक रंजिश के चलते चलाई गई गोली। कई राउंड हुई फायरिंग में अनंत यादव की मौत, उम्र 60 साल और 3 लोग घायल। घायल अमित कुमार के हाथ में एक गोली लगी है, वहीं रामविलास के सीने के पास गोली लगी और जयकरण के सर में मेदांता में इलाज जारी है। क्या नाम है जयकरण जी? आज क्या हुआ सर? हुआ कहा, हम लोग प्रमुख जी दावत में आ रहे हैं तो हम लोग सब वहीं बैठे थे। कुछ देर बैठे तो चल दिए, और वहाँ गेट पास पहुँचे, पता नहीं किधर से आगे गोली मार दी। कौन लोग गोली मारे? मोनू। और कोई उनके साथ में था या मोनू अकेले? वो जगीर का रेख है जो तैयार रखा है। अच्छा, क्या कोई पुरानी रंजिश रंजिश भी थी साहब? अब प्रमुख के भले हुए पुरानी रंजिश, हमारे लोगों कोई रंजिश कभी नहीं रही। और पता नहीं कहीं क्या रंजिश है, मान लो उनके यार घर आमने सामने है। अच्छा, मोनू के यार और अनंतु जो खत्म है उनके यार घर आमने सामने। अच्छा, आपको ही गोली लगी है? अच्छा, थाना काकोरी के तेजी खेड़ा गांव में दो पक्षों में फायरिंग की घटना हुई, जिसमें श्री अनंत यादव की मृत्यु हो गई है एवं श्री राम विलास और छोटू रावत, ये दोनों लोग घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, खतरे से बाहर हैं। आज एक तिलक समारोह था जिसमें दोनों पक्ष उस तिलक समारोह में सम्मिलित थे। वहां कुछ वाद विवाद हुई, इनका दोनों पक्षों का आपस में ग्राम प्रधानी की चुनाव से रंजिश शुरू हुई, जो पहले साथी थे आपस में। बीच में काफ़ी मुकदमेबाजी भी हुई, एक दूसरे के विरुद्ध इन लोगों ने पैरवी किया, और आज उस विवाद के बाद जो तात्कालिक कारण था आपस में इनकी फायरिंग की घटना हुई है। इसमें हम तफ्तीश कर रहे हैं, घटना के कारणों का और खुलासा तफ्तीश में होगा। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर हम पूछताछ कर रहे हैं। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हम लोगों ने 5 टीमें गठित की हैं जो लगातार छापेमारी कर रही हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।